जो कि हम अमूमी तौर पे जो है वो समझने से कासिर होते हैं लेकिन जितने मुकदमा पाकिस्तान में पाकिस्तान में नहीं सब कॉन्टीनेंट में नहीं मिडल ईस्ट में नहीं दुनिया जहान में ये मुकदमत होते हैं और इनके इलाज करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं जिस तरह हम अपने इन इलाज करने वालों लोगों को कोई बहुत ज़्यादा शायद समझदार ना समझते हो इसी तरह दुनिया में भी शायद इन लोगों को थोड़ा सा एक्सक्लूड किया जाता है अलग रखा जाता है मेन स्ट्रीम से लेकिन ये इसका हरगज़ मतलब नहीं है कि मेन स्ट्रीम सही है और ये जो साइड लाइन है ये गलत है इसकी एक छोटी सी एग्ज़म्पल सिर्फ ये देता हूँ कि मेन स्ट्रीम हमेशा ये कहती है कि वैक्सीन ईजाद करने के लिए आपको साल हा साल चाहिए लेकिन जब इलेक्शन होने हो यू एस ए के तो एक साल से कम अर्से के अंदर आपको तीन तीन वैक्सीन जो है वो मिल जाती हैं और वो एफ डी ए अप्रूव्ड भी हो जाती हैं मेन स्ट्रीम और सब स्ट्रीम की बात नहीं है मामला है समझदारी का आज एक सबसे पहले तो आपके सामने एक मुकदमा रखेंगे वो मुकदमा मुझे भी इल्म नहीं है कि वो क्या है बात सुनेंगे फिर अपने माहरीन से पूछेंगे और माहरी हमारे साथ महमूद अहमद चिश्ती साहब चशती महमूद अहमद चिश्ती साहब की एक बहुत बड़ी बात जो है वो सीक्रेट वो भी मैंने आपको आज बतानी है कि उन्होंने घर जाके आज नाश्ता क्या करना है वो मुझे उन्होंने बताया लेकिन हमें नहीं बुलाया मुसदक शाह साहब सर आपने हमें लेकर जाना है और जनाब कराची से हमारे साथ अब्दुल्ला एजाज बाबा हैं वो आसिफा जबरइल फ़ोन पे हमारे साथ होंगी और एक खातून जो कि ये मुकदमा सामने रखेंगी इसमें आप अपनी राय जो है अपनी तजवीज़ जो है वो थोड़े दिनों के लिए या थोड़े अरसे के लिए अपने तक महदूद रखिएगा और शायद मुकदमात जो है वो ऐसे होते हैं के लिए वो बराबर के लफ्ज भी शायद इस्तेमाल नहीं किए जा सकते फिर खातून के लिए खास तौर पर मामला समझने का और और सुलझे हुए लहजे में समझने का है ना उसको रिजेक्ट ना सेलेक्ट ये स्वाबदीत जो है ये सिर्फ आपके पास है अस्सलाम वाले अस्सलाम वालेकुम बेटा अस्सलाम आप खैर से बेटा अच्छा ये फरमाइए कि आपके साथ क्या मामला हैं कोई जिन्नात का सिलसिला है कोई क्या क्या, क्या वाक़ क्या है आ, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज जी जी बिल्कुल जन्नात का ही मसला है तकरीबन ये बात चार से पाँच साल हो गए हैं मुझे इस प्रॉब्लम में अच्छा जी जब स्टार्ट में ये मसला हुआ था तो तब तो मुझे भी लगता था कि शायद में भी हो सकता है कोई ख्वाब हो में बुरे मतलब ड्रौने ख्वाब भी आते हैं इंसानों को हमें नॉर्मली या फिर ये होता है कि मैं डर जाती थी मुझे मतलब अच्छा। खुद को ही यकीन नहीं था काफ़ी देर तक तो इसी सैशोपन में रही कि शायद हो सकता है मेरा वहम हो अच्छी बात लेकिन जब ये प्रॉब्लम मतलब मजीद ज्यादा बढ़ती गई बढ़ती गई टेंशन जो थी वो मेरे लिए जाहिर सी बात है मैं जहनी तौर पर भी डिस्टर्ब रहना शुरू हो गई ना ही कोई मतलब कहने का ये कि मैं कोई आम नहीं है होता है कि इंसान बहुत सारी लाइफ नॉर्मल चल रही थी तो एकदम से ये चीजें जब शुरू हुई तो बहुत ज्यादा लाइफ डिस्टर्ब हो गई आपकी तालीम है जी बिल्कुल मैंने ग्रेजुएशन किया अच्छा, हुआ है वंडरफुल तो, इसीलिए आपने शक भी किया कि शायद मुझे ख्वाब आ रहे हैं तो नॉर्मल यही नॉर्मली होता है हम बात हम लोग कहते हैं कि हम सो गए तो मतलब कोई मतलब अच्छा इस इस सारी बात की जिसको कि हम आज कह सकते हैं इसकी जो इब्तदा है वो ड्रोने ख्वाबों से हुई जी मुझे यही लगता था कि मुझे ख्वाब आ रहे हैं ठीक है मैं भी हो सकता है मतलब डर के एकदम से मेरा उठ जाना फिर मैं जब उठती थी तो बहुत बुरी हालत होती थी मेरी मुझे मतलब एक वहम सा एक अजीब सी टेंशन में आ गई कि नहीं किसी से शेयर भी ऐसा ख्वाब नहीं कर पाती थी सही कि मतलब कैसे कहूँ क्या कहूँ किसी से कोई क्या कहेगा क्या सोचेगा इस बारे में अजीब सी मतलब कि वो चीज़ें थी जो कि मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगी शायद आपके सामने तो जब तकरीबन काफ़ी देर गुजरी थी तकरीबन फाइव टू सिक्स मंथ इसी तरह से गुजर गए मेरी हालत भी बिगड़ना शुरू हो गई घर वाले शायद कहते शायद मैं वैसे बेटा इस, इस वक्त आपको चार माहरीन जो है ना वो सुन रहे हैं आप थोड़ा सा ऐसा बताइए कि अगर वो कुछ सवाल या करना करें या करना चाहें तो वो आपसे कर सके मिसाल के तौर पर आप फरमा रही हैं कि ख्वाब नहीं बताए जा सकते थे आ, थे 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 इसलिए नहीं बताए जा सकते या बुरे थे, या बुरे गंदे थे? आ, जी आपकी थर्ड वाली बात मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगी मैं वही कहना चाहूँगी कि मतलब ऐसे ख्वाब थे जो मैं बता नहीं सकती किसी से मतलब कुछ शर्मिंदा हो एक इंसान ज़ाहिर सी बात है मैं एक लड़की थी तो किसी से इस तरह की बात करती तो साफ़ जाहिर है लोगों ने मेरा मजाक बनाना था ना मैं अपने फ्रेंड से ये बात शेयर कर सकती थी ना फैमिली से मतलब कुछ ज़्यादा ही टेंशन का माहौल जब ज़्यादा सीरियस हो गया मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहने लग गई तो आपको क्या लगता क्या लगता था कि जो ख्वाब है उसमें कोई 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 शय जो है वो जिन है या कोई चीज़ जो है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकती वो कौन है मैं नहीं ये नहीं कर सकती क्योंकि तो वो आपके साथ फिजिकल होता था जी बिल्कुल ऐसे ही था तो बस मैं ये चीज़ नहीं किसी से भी कह सकती थी फिर मतलब ज्यादा टाइम गुजर गया फिर मैंने अपनी फैमिली में अपनी मदर से ये बात डिस्कस की तो उन्होंने कहा कि शायद तुम मतलब बीमार हो गई हो तुम इतनी देर से बीमार रह रही हो तो उनको ये नहीं मालूम था कि ये मुझे काफी देर से ये आपको हमेशा नींद में होता है नींद में ही होता है बाद मतलब डेली ये रूटीन शुरुआत में रही बहुत ज्यादा फिर बाज डे टाइम पे भी ये रहना लगे इस वजह से मैं बीमार भी काफी हो गई थी दिन में भी ऐसा होता था यानी कि जागते हुए में नहीं नहीं जागते हुए में नहीं होता जैसे ही मेरी आंख लगती थी तो मुझे कोई होश नहीं रहता था जब मैं उठती थी तो मैं एक बड़ी अजीब सी हालत में होती थी तो सही? मुझे खुद समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ आपने वालदा से शेयर की ये बात जी उन्होंने मुझे यही कहा कि नहीं तुम तो मतलब जाहिर सी बात है फैमिली भी एजुकेटेड है वो लोग भी इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे थे वो कह रहे थे मेरा वहम है ख्वाब आए हैं या फिर मे भी हो सकता है मेरा उन्होंने मुझे बोला कि आप चेकअप करवाओ अपना डॉक्टर के पास जाओ मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी गई मैंने चेकअप करवाया सारा अपना इलाज भी करवाया उन्होंने मेडिसन जो भी दी लिख के मैं उसका रेगुलर यूज करती रही लेकिन होता है थोड़ा भी फर्क पड़ता है ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे दिन ब दिन उस चीज में मतलब कि ज्यादा ही मसला मेरे लिए है। ज्यादा से मसला की मुराद है कि इसी तरह मतलब मैं कोशिश ये करती थी कि मैं मतलब कोई आयात वगैरह पढ़ूँ आयतल कुर्सी पढ़ूँ उसका हिसार मानती तो कभी थोड़ा बहुत मुझे फर्क पड़ जाता था मतलब सुकून होता था लेकिन बाद ऐसा वक़्त आता था मतलब की मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था मुझे कोई पढ़ने ही नहीं देता था और तो इतना जख्मी हो ये बताओ ये हमेशा श तनहाई में होता है या लोगों के अंदर बैठे हो फिर भी हो जाता है मैं अपने रूम में ही होती हूं तो वहीं पे ही होता है अपने कमरे में वैसे नहीं होता वैसे नहीं होता अच्छा इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई साथ-साथ जी बिल्कुल और अक्सर जब मैं कभी मतलब फैमिली में बैठी हूं या कहीं पे बैठी हुई हूं तो अक्सर ये कि खौफ एक तारी हो जाता था मुझे ऐसे फील होता था जैसे मुझे कोई देख रहा है मतलब ऐसे देखना बाज़ार रूम की चीज़ें जो है इधर उधर होती थी मैं खौफ ज़्यादा भी होती थी चीज़ें भी टूट फूट जाती थी फ़ैमिली से बात किया उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा फिर डॉक्टर के पास भी गई डॉक्टर ने भी यही कहा कि नहीं आप का थोड़ा सा हो सकता है ज़हनी तो आज़न का प्रॉब्लम हो जाता है आप बीमार रहे अच्छा, सब लोगों ने मशा दिया आपका ये जहनी ख्याल है किसी कि ये, ये हकीकत है मेरी हालत को देख कर लोग यही कहने लग गए थे कि मैं वैसे बीमार हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ तुम बीमार रहने की वजह से तुम ये लेकिन उनको यही चीज़ में समझा रही थी कि मैं बीमार भी इसी वजह से हो रही हूँ इतनी ज़्यादा मेरी वीकनेस होगी थी बाज़ात तो इस कदर बुरी हालत हो जाती थी मैं नहीं बता सकती इस चीज़ के बारे में सो मैं, आप, मैं आपको ये कैसा लगता कैसा था कि आपके साथ एक फिजिकली एक चीज़ हो रही है और लोग आपको आप पे यकीन नहीं कर रहे जी बिल्कुल जाहिर सी बात है ये चीज़ उनके सामने नहीं होती थी वो तो मेरे ऊपर गुजर रही थी ना जो भी प्रॉब्लम थी वो मेरे साथ हो रही थी हुँ. उनको मैं ये बता नहीं सकती थी फिर मुझे आ, मैंने एक वैसे ही मतलब कहते हैं सर्च करती दोस्तों से किसी से ना ऐसे बस बहाने से बात करी कि मैं क्या अगर कोई किसी के साथ मसला हो तो कोई क्या करता है इसका मतलब कैसे हल निकाला जाता है तो वो कुछ कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं कि जी आप इस तरह किसी आमिल के पास जाओ किसी को जाना चाहिए या मतलब मौलवी के पास जिसके जिनको इल्म होता है इसके बारे में तो एक दो लोगों के पास मैं गई उसका हल जो था वो मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा गैर मुनासब लगा जिसका इलाज मुझे बताया गया मतलब मैंने यहाँ पे वो कहती है उन्होंने क्या मतलब कुछ पढ़ने को दिया क्या दिया क्या किया पढ़ा तो उसने कुछ जो भी था वो मुझे नहीं मालूम क्या वो पढ़ रहे थे क्या नहीं पढ़ रहे थे मुझे कुछ पढ़ने के लिए नहीं दिया मुझे सिर्फ उन्होंने यही कहा कि आप मतलब हमारे पास आए इतने, इतने दिन इतने ये वो वगैरह जो कि मैं नहीं मान सकती थी। नहीं क्या मतलब वो ये वो क्या चीज़ मतलब हमारे पास आए इसमें क्या गलत मतलब रहने के लिए कुछ गलत कह रहे थे ये शैतानी अमल है ये मतलब जो भी आपके साथ हो रहा है ये शैतानी अमल है तो इसको एक गलत तरीके से यानी कि शैतानी अमल ही किया जा सकता है तभी ये ख़त्म हो सकता है अदरवाइज ये खत्म नहीं होगा ये पूरी जिंदगी आपकी साथ ऐसे रहेगा ये कभी खत्म नहीं हो सकता आप इसी प्रॉब्लम में फंसी रहे आप कितने वात... लोगों के पास गई सबकी राय यही थी जो आमलिन थे नहीं तकरीबन दो के पास तो मैं ऐसे गई थी ना फिर जो था बाकी लोगों से मैं दम वगैरह करवाती रही वक्ती थोड़ा सुकून मिल जाता था मतलब वकती जैसे कि एक दिन हो गया गुजर गया अदरवाइज़ तो मेरे से ना ही कुछ पढ़ा जाता था वो सर जितनी देर तक थोड़ी देर हिसार रहता रहता अदरवाइज़ वो चीज़ ख़त्म हो जाती थी वो फिर से मेरे ऊपर हावी हो जाती हैं चीज़ें हुँ. और ये नहीं कि ये अभी तक ख़त्म हो गई हैं ये अभी भी है, बत, मतलब का ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल ऐसे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन जैसे ही मतलब सारे सनहारियों में आपने सुसाइड की खुदकशी की कोशिश क्यों की सुसाइड की कोशिश मैं क्या करती मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह गई थी इसमें मतलब मैं बहुत मतलब ज़्यादा डिस्टर्ब मतलब एक तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी ठीक है कि मैं बीमार चौबीस घंटे रहने लगी फिर फैमिली का भी प्रॉब्लम वो भी ट्रस्ट वो कहते हैं कि जी आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है आप बीमार हो यानी कि मेरी अंगीज हुई थी आ, उन लोगों को लगा मतलब मैं शायद पागल हो गई हूँ मतलब साइको हो गई हूँ तो इस वजह से ये चीजें करी वो खत्म हो गया फिर ये बहुत सारी चीजें होती है ना जब एक एकदम जमा हो जाती हैं तो वो आपका दिमाग जो होता है, जाता है लेकिन जिन उन दो लोगों के पास आप गई जो की आप कह रहे हैं कि अमल करते थे उन्होंने कहा शैतानी अमल से शैतानी अमल से मुराद क्या थी यानी कि जो की वो मेरे साथ हम बिस्तरी आप समझ सकते हैं मैं मस्जिद ये उन्होंने कहा जी कि अगर वो आपके साथ शैतानी अमल में ये, ये चीज़ होती, ये होती है तो मशा दिया कि ये इसका हल है नहीं उन्होंने ये कहा कि ये आपके साथ जन्नात करते हैं तो आपको इस तरह से मतलब कि आप प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आप भी आपको यहाँ पर भी ऐसे ही रहना होगा हमारे सामने तो उसके ऊपर हाँ आपके ऊपर पढ़ाई करेंगे आ, जो भी दम वगैरह होगा वो करेंगे ऐसे ये वो वगैरह वगैरह तो अच्छा चीज़ आप चीज़ मेरे, साथ मेरे साथ रहना ना मेरे साथ लाहौर के नहीं सिर्फ पाकिस्तान के जो है ना ये बेहतरीन लोग मौजूद हैं जो कि इन मामला में आमलिन की सूरत में इन चीज़ों को जानते हैं आ, अब्दुल्ला बाबा अगर आप से बात शुरू करूँ आपने इस बच्ची की आ, सारी दास्तान को सुना पहले तो तज् दीजिए कि आप इस पर क्या राय रखते हैं आमिल के तौर पर आपकी क्या राय है कि ये क्या चीज़ है जो ये बच्ची कह रही है देखें जी बात यह कि इन्होंने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा और ऐसा बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही कहा मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इलाज करता हूँ और बहुत बेहतर तरीके से मसले को समझता हूँ इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं अगर मैं एक मिसाल देता हूँ अगर सौ मर्द औरतें हों तो तकरीबन पचासी लोगों के साथ ये मामला होते हैं जिसमें मर्द भी शामिल होते मर्द भी शामिल होते हैं बच्चे भी शामिल होते हैं बच्चियाँ भी शामिल होती हैं और औरतें भी शामिल होती हैं और ये बहुत ज़्यादा होता है इंतहा से ज़्यादा और बहुत सारी औरतें तो शर्म के मारे बता ही नहीं सकती हैं ये वो सारे काम होते हैं जो क्या चीज़ बाबा जी आपके तजिए में ये क्या चीज़ है ये जिन्नात औरतों के साथ जिना करते हैं और मर्दों के साथ भी करते हैं और बच्चियों के साथ और लड़कों के साथ ये सारे काम बिल्कुल उसी तरह होते हैं जैसे एक मर्द एक औरत के साथ जिना करता है आ, आ, हम बिस्तरी करता है बिल्कुल ये वही काम है और इनके साथ बिल्कुल जो इन्होंने अपनी बातें कहीं सौ फ़ीसद मेरे तजर्बे में ये बात है कि ये बिल्कुल सही कह रही हैं अच्छा ये कमाल बात है आप कह रहे हैं कि अगर सौ लोग आते हैं तो पचासी लोगों का यही मुकदमा होता है कि जिन्नात ने उनके साथ ताल्लुकात पैदा किए होते हैं ये मारे ना आप इसमें ऐसा भी होता है कि ये ख्वाब के ज़रिए गलत ख्वाब दिखाए जाते हैं गलत सोबत होती है ग़लत रास्ते पे लगाया जाता है गलत काम करवाए जाते हैं गलत काम अप किए जाते हैं ये सारे काम जो है, बाबा ये ख्यालों में होता है या फिज़िकली कर रहे होते ये हैं दोनों सूरतों में होता है मतलब मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ ये दोनों सूरतों में होता है हकीकत में भी करते हैं और ख़्यालों में भी बहुत ज़्यादा होता है जो बीमारी की सूरत अख्तियार कर, कर डॉक्टरों के पास जाते है कहते हैं जी हमें आपको जो है ये बीमारी लग गई हालाँकि वो बीमारी नहीं होती वो उनको ये जन्ाद की एक ऐसी हरकतें शुरू हो जाती हैं कि जिन्नात उनको आ, मरीज बना देते हैं और ये दिन ब दिन ये हरकतें बढ़ती जाती हैं एक वक्त ऐसा आता है कि दिन में भी जागते में भी ये काम होता है और कमजोरी इंतहा से ज्यादा हो जाती है और एक वक्त अच्छी कह रही है एक वक्त ये भी आ जाता है अच्छा, आसफा आपके तजर्बे में इस तरह के लोग आए कभी बिल्कुल जी, जी, भाई इन बीबी का जो मसला मुता हमने सुना है स्कॉलर्स की मौजूदगी में दस्तबस्तार करना चाहूंगी कि बिल्कुल हमारे यहाँ मरीज ऐसे बहुत सारे आते हैं और उनका इलाज भी होता है और ये मुमकिन है कि ऐसा बिल्कुल लोगों के साथ मतलब होता हम, हमने हमेशा ये सुना था कि वो रेफरेंस भी इसकी देते हैं हमेशा क़राम कर खून के अंदर जो है वो नाक के रास्ते दाखिल हो जाता है और उससे इंसान की जो जोनी कैफियत है वो बदल जाती है लेकिन एक मखलूक दूसरी मखलूक के साथ अखलाकी नहीं बद अखलाकी वाले रख सके ये होता है बिल्कुल होता है और इसको करीम ने वाज पर आ, मैं एक आय पढ़ती हूँ कि अल्लाह रब इसे अल्लाह रब्बुल इसे मैंने शैतान कहेगा के दिन के मैंने इसे गुमराह ना किया था और शेफान लहू क़रीनन यानी कि जो अल्लाह के जिक्र से आंखें बंद करता है हम उस पर करीन इसको करीन के लफ्ज से इस्तेमाल किया गया है ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देते हैं जो इसके साथ लगा रहता है बिलाल भाई अब इसमें एक लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ जो इसके साथ लगा रहता है यानी कि लगा रहता है यहाँ से ये वाक वाज हो गया है कि ऐसे मामला के साथ पेश आते हैं और उन लोगों के साथ पेश आते हैं जो अल्लाह के जिक्र को तरक् कर देते हैं और ये गैर इखलाकी हरकत और गलीज मामला इंसानों के साथ पेश आते हैं और उनको मेरे, मेरे साथ रहिएगा मैं मैशा जी आपको भी इसमें शामिल करूँ आप आप पहले तो इस पर राय दीजिए ये जो मुकदमा सामने आया अभी तक वो आया है कि एक गैर गे, इंसानी मखलूक जो है इंसानी मखलूक तो नहीं, नहीं जन्नात है ये इंसान के साथ क्या हम बिस्तरी का फेल जना का कर सकते हैं बसमी बलाल भाई ये जो मेरी बहन ने बात की है बिल्कुल ठीक बात की है ये किसी लाहौर में है काफ़ी ज़्यादा है सिर्फ लाहौर में ही है नहीं सारे पाकिस्तान में लाहौर से मैं लाहौरी लाहौर की बात करूँगा मेरे पास ये केस आते हैं वो कहते हैं पचासी फीसद होते हैं अब्दुल्ला बाबा मैं उनकी बाकी के साथ इतवा करता हूँ इतने लोग होते होते हैं हैं इतने लोग होते हैं। तो और, और के साथ मर्द होगा हाँ। मर्द के साथ औरत होगी अपनी या या रुक जाइए चिश्ती साहब पहले तो आप इस पर रोशनी मुझे शरीयत के हवाले से डालें कि ये एक मखलूक दूसरी मखलूक के साथ ताल्लुक कैसे रख सकती है देखिए ताल्लुक से पहले बहन की बात मैंने सुनी मेरा सुनने वालों से ये गुजारिश है कि जो शख्स भी अपने घर के अंदर कोई अपनी बीमारी अपना आरजा बताए तो हम संजीदगी उसको संजीदगी से लें और उससे नजरअंदाज़ न करें बल्कि रिश्तों को औलाद को बहन भाइयों को एतमाद दें तभी जाके ये मामला हल होते हैं अब रहा सवाल तो मेरी समझ में नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगला झूठू हाँ जी।, जी जैसे वो कहा जाता है ना कि अदम दलाइल की बिना पर किसी चीज का इनकार नहीं किया जा सकता ना जिन्नात का ना जादू का दलाइल के ऊपर दलाइल ना हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सच नहीं है मौजूद नहीं है जब दलाल ना भी हो फिर भी वो चीजें मौजूद होती हैं मेरी इन बहन से कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं पूछना चाहूंगा कि इनके रूम में कुछ पैरा एक्टिविटीज होती हैं कि चीजें आगे पीछे मतलब कोई चीजें आगे पीछे दरवाजे खुलने दरवाजे खुलने खुल जाए हाँ जी अचानक लाइट्स ऑफ हो जाए ऑन हो जाए ठीक है जो बेड की जो बेड शीट्स वगैरह हैं वो जो है वो खराब हो जाए वापस आके इनसे पूछ लेते हैं छोटा सा वक्त लेते हैं और वापस आते हैं और बात करते हैं इस पर साहब हमारे एक अजीज़ दोस्त हुआ करते थे मॉडल टाउन में अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे अभी वो मॉडल टाउन में ही है वो अक्सर उनके कमरे के अंदर ना उनके बाथरूम के नल के खुल जाते थे अक्सर रात को अलमारियों के दरवाजे जो हैं वो खुद ब खुद ही खुलते और बंद हो जाया करते थे तो वो इस बात पर कभी रद्द अमल नहीं करते थे वो हमेशा एक आवाज़ में कहते थे कि यार तेनू मैं तंग नहीं कर रहा तू मैनू क्यों तंग करना है तो तंग करना बंद भी हो जाता था आप पूछना चाह रहे थे कुछ बच्ची से हाँ जी तो ऐसे मामला मेरी बहन आपसे होते हैं कि कोई चीज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कोई चीजें आगे पीछे हो जाएं दरवाजे बंद हो जाएं नल खुल जाएं लाइटें ऑफ या ऑन हो जाएं आवाज आ रही है आपको बेटा जी जी आ रही है या महसूस हो पीछे कोई खड़ा है जी जी बिल्कुल ये चीज़ों से ही तो शुरुआत हुई थी जब स्टार्टिंग था तब ये मतलब ऐसे होता था दरवाज़ा बजता था एकदम से जैसे लाइक वॉशरूम में गई हूँ तो एकदम से मैं देखी मैं जैसे वापस होती थी नल का पानी जैसे कहते हैं ना खुल जाना हुँ. ये प्रॉब्लम होती तो मुझे बहुत गलत लगता कि शायद मुझे ही भूलने लग गया कुछ ज़्यादा ही मैं भूलने लग गई हूँ जैसे पर्दे जो थे वो खुद ब खुद ही बिना हवा के कमरे में कैसे कुछ चीज़ हिल सकती है सही कह रही है। तो मतलब वो थोड़ा स्टार्टिंग में तो ये फ़ील हुआ कि शायद मुझे भूलने लग गया या वैसे हवा फ़ैन ऑन है या मैं बंद किया है शायद इस वजह से हो गया लेकिन आज तक से थोड़ा सा खौफ महसूस होना शुरू हो गया मुझे ऐसे जैसे ही कहीं जा रही हूँ जैसे लाइक कुछ चीज़ मेरे साथ अच्छा साथ चल अच्छा, आपने रही है। बड़ी अच्छी बात की है कि आपने हर चीज़ पे शक किया है और शक की गुंजाइश को आपने ख़त्म नहीं किया शक की गुंजाइश को ख़त्म नहीं किया और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपनी मदर को सबसे पहले बताया था तो उनको जो बताने की एक बात है वो एक अलग से है हाँ। यानी कि मैं ही जानती हूँ कि मैं ये किस तरह से उनको बता पाई हूँ शुरुआत जो थी उसमें मतलब इतना मुझे प्रॉब्लम जैसे ही मैं बताने की किसी को कोशिश करती थी कि मैं किसी से बात डिस्कस करूँगी तो वो ऐसा होता था वो मुझे नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ता था मतलब याद की सूरत में मतलब मतलब ये कि या तो मेरी फैमिली में किसी को कोई चोट पहुंचाई जाती थी अच्छा। या फिर ये होता था कि बाजत मेरे साथ इतना मतलब कि मतलब मेरा कभी कभार तो मेरे गले पे इस कदर वज़न हो जाता था मतलब जैसे कोई मेरा गला जोर से दबा रहा हो और मतलब कि मेरा बाज़ में सो के जब उठी तो मतलब इस कदर जख्मी होती थी या कभी नीचे गिरी होती थी तो मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिनसी जाति की है मतलब मेरे साथ वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बताने की कोशिश करना मैंने तो उनको जैसे मेरे ऊपर गुस्सा आता है तो वो फिर बहुत बुरा सलूक उसके साथ ये भी करते हैं तो ये चीज से भी मैं बहुत ज्यादा आपने को जब बताया तो ये सब बातें बताई थी जी बिल्कुल मैंने सब कुछ बताया था उन्होंने आपकी बात पे यकीन नहीं किया उन्होंने भी यही कहा कि ये आपका जहनी प्रॉब्लम जो है ये उसकी तो वजह से आप इलाज लोग जो है वो जो आपके जिसम के जख्म है उनको बोझ को तो वो एक्सप्लेन नहीं आप कर सकेंगी लेकिन वो जो जख्म है उनको कैसे एक्सप्लेन वो करते यही कहते हैं है कि ये जो आपके जहन के ऊपर बोझ बन गया हुआ है ये आप ना मतलब के अनजाने में आप खुद को नुकसान पहुंचा देती हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता ठीक और मैं मानती हूँ तो नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं नॉर्मल रखती हूँ मैं भी नमाज पढ़ती थी जैसे कि अभी बात हुई कि ये उनके साथ होता है जो कि अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो जाते हैं नहीं मेरी भी एक मजहबी फैमिली है और मैं अच्छा। भी नमाज की हर चीज़ की पाबंद थी लेकिन वो

जी बिल्कुल ऐसा बाजुकात होता है लेकिन मतलब रोटीन में नहीं लेकिन बाजुकात मुझे ऐसा ही अब जो है ना मजीद अब होने लग गया है अभी भी मैं कुछ दिन पहले थोड़ा सा ये कामिल के पास गई थी उससे दम करवा रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे सुकून है लेकिन जैसे ही कुछ दिन ज़्यादा होते हैं जैसे ही थोड़ा सा असर खत्म होता है यानी कि बाज़ात ऐसा हो जाता है कि मुझे शावर लेना होता है तो मैं तावीज़ को हटाती हूँ एक दफ़ा अच्छा। लेकिन वो गलती मेरी सिर्फ वही होती है कि जब मैं वो हटाती हूँ तो फिर वो मेरे ऊपर फ़ौर ही वही हावी हो जाते हैं तो मेरे लिए वो फिर तकलीफ़ था उससे भी ज़्यादा शिदत जो होती है ना आप पहले इस अपनी राय मुकम्मल कर लें ये मेरी बहन को सबसे पहले ये मैंने पूछना अपनी बहन को कि इन जब ये तारीख ये फेल होता है तो इनको ज़ाहिर बात है कि फेल तो इनके साथ होता है लेकिन इनको लकोरिया भी होगा इनकी कमर में दर्द भी होगी इनके मैंसेज जो वो भी आउट हो जाएंगे इससे क्या ताल्लुक इसका उसी का ये खराबी है ना इसकी अच्छा ये जो जिन्नात इनके साथ फेल कर रहा है ये इसकी खराबी है ठीक इनके कमर में पेन हो गई इनका बहुत कुछ आ, ए, ए, एक एक मरतबा नहीं आपको कई मरतबा आएगा वो सोते हुए आएगा जागते हुए भी, भी आएगा वो उसका एक तरीका कार है उसने वो अपनी वारदात जो है वो पूरी कर उसने है। एक स्मेल देनी है हाँ। इन्होंने बेहोश हो हाँ। जाना है इलाज क्या है इसका इसका इलाज यही दम जाड़ा तवीज धागा वो तवीज धागा करा तो रही है वो इन फिर निकाल नहीं रहे ना इन वो निकल नहीं रहा आमल जो वो बगैर निकालने शैतान गलत कर रहा है तो हमने भी गलत करना है, है, है? अच्छा, है।, है और पाकिस्तान में थोड़े हैं अच्छा, सारे बदमाश तो नहीं है भी बीच में है वो तबीज तो डाल देता है अंदर से निकालता नहीं है जब अंदर से निकालेगा तबीज डालेगा

अल्लाह के नबी ने इशात फरमाया कि ख़्वाब तीन तरह के होते हैं एक अल्लाह की तरफ से होता है एक शैतान की तरफ से होता है एक इंसान के तखीला की तरफ से होता है।, है तो शैतान ये करता है कि इंसान के खाब में आकर इंसान को जो है अपनी तरफ माइल करता है क्योंकि शैतान इंसान के खून में इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है तो फिर इंसान के नफसियात पे जो है वह असरअंदाज होकर वही कुछ दिखाता है जो वो चाहता है जो शैतान चाहता है चाहता है तो फिर इंसान की कैफिया में वह सारी एहसास आ जाती अच्छा, है, है ये जिन्नात हैं या हैं ये शैयान है पहली बात तो ये है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने के नबी ने फरमाया कि हुआ अबुल जिन शैतान जो है वो जिन्हों का बाप है तो जिन और शैतान में एक, अगर, ही चीज़ एक ही चीज़ है तफरीक आप जिस तरह से मर्जी यानी कि उसके पास ये ताकत है कि वो आपको ख्वाब भी दिखा ख्वाब भी दिखा खेल ख्वाब में अपने मकासद पूरे करने के लिए आपको इशारे भी देगा इशारे भी देगा और जो जब वो आपके खून में दौड़ रहा है तो आपकी कैफियात को भी बदल सकता है आपके महसूसात पर भी असरअंदाज हो सकता है आपको हर वो चीज

मैं इलाज तस्वीर करके थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा अगर हुआ तो आ, इलाज इसके बारे में ऐसे मरीज को चाहिए कि मैं जो इलाज कर तस्वीर करने जरा से सुने के या अल्लाह की तस्वीर जहर के साथ करें या अल्लाह कर, अल्ला की तस्वीर जहर के साथ जहर के मुराद क्या है बुलंद आवाज बुलंद आवाज में जोर से करे जोर से अल्लाह अल्लाह ठीक और वो इतना बुलंद आवाज हो उसकी ये इसके पूरे घर में गूंजनी चाहिए और ये कम से कम इकतालीस दिन पढ़े ये इनशाएगा इन तरफ पढ़े कितनी दफा पढ़े तीन सौ तेरह मरतबा तीन सौ तेरह दफा ठीक उससे आपके ख्याल में यह इलाज हो जाएगा जी 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 बाकी या ना पाकि इसकी कोई शर्त नहीं है ठीक ठीक है क्योंकि जुबान का जिक्र है अब करें जी आप फरमाइएगा इस पर नहीं करनी। नहीं जी मैं, नहीं। जी, मैं बाबा की बात नहीं हूँ हाँ, हाँ। मैं खुद इलाज करूंगा अगर बीबी चाहे तो जी जी मैं नहाने के लिए तवीज दूंगा तवीज को नहाने के लिए तवीज़ को पानी में डालें जिससे पानी में डाल के उसे नहा जो मैं तवीज दूंगा उसे पी लें वो भी पानी में डाले वो भी पानी में डाले वो, पानी वो ही पीना है बार बार पानी पीना है जितना पेशाब इनको आएगा इतनी इनके अंदर से उतनी ज्यादा निकलती जाएगी इन शाह इक्कीस यो में ये बिल्कुल मरीज नहीं रहेंगे किस आयात का होता है क्या होता है आयात का होगा नहाने वाला वो कुछ और लफ्ज है नंबर वो फरोन शजा हमारे इनके लफ्ज है वो वो अल्फाज है शैतानी का ठीक है वो उनको निकालेगा नहाने के लिए पीने के लिए वो कुरान की आयत होगी

तो आप फीस भी लल्ला कर रहे हैं मैं फीस भी लल्ला कर रहा हूं जी ले ये है, कर मैं दूँगा और आप ज़रान से लिखेंगे लिखूँगा जी ठीक है आयतुलकर चीज़ का तोड़ है आयुत करसी तमाम जो शयातनी शयातिन के अमाल हैं उनका तोड़ है यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा तफसीर अपनी कसीर में करतबी रह ने जहाबी रहमुल्ल् से नकल किया है कि जिसके ऊपर जादू हो या जन्त हों या ऐसे अफ़ाल हों का बेहतरीन इलाज जो मुस्त किता बेरी बेरी और नाश और आयतुलसी पढ़ लीजिए और नाश सात सात दफा पढ़ लिये सात सात मरतबा ग्यारह ग्यारह मरतबा ठीक है सात पतेले सात पतेले ठीक है उनपे पढ़ के फूक मारी उनको उबाला जी उससे गुसल कर लें हर तरह की तसीरत खत्म हो जाती है फिर से इमाम लेने हैं इमाम कसीर कसीर ने कसीर ने कहा अपनी लेनेबने तफसीर तफसीर कसीर, कसीर में कहा कि बेरी के साथ पत्ते लेने हैं जी पे हर पत्ते के ऊपर फलक पढ़नी है सुरह नास, नास पढ़नी, पढ़नी, और और पढ़नी है और आयतल कुर्सी पढ़नी है और उन सात पत्तों को पानी में उबालना है और उससे करना है और उस उबले हुए पानी को बाकी पानी में डाल लेना डाल के गुसल कर लेना उससे गुसल करना है जादू भी जिन्नात भी सहर भी इरसाल हवातफ भी इसे कहा जाता है इरसाल हवातफ के शयातीन या जिन्नात किसी शख्स ने किसी की तरफ भेजे हुए हैं हर चीज़ खत्म हो जाती है और ये अथेंटिक है मुस्तनद और मुजरब है ये इमाम ने जब ये तफसीर लिखी इमाम कसीर ने तो उन्होंने कोई हवाला दिया है हाँ जी हवाला दिया है कि उन्होंने जो हवाला दिया इमाम करतबी ने इमाम जहबी से ये नकल किया है ये दोनों अपने वक्त के बहुत बड़े जो यानी कि एक नहीं है टुल्ला नहीं है टुल्ला नहीं, नहीं है एक अच्छी खासी अच्छी देख रहे हैं ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने लिए कौन सा तरीका इलाज जो है वो इंतख्या करते हैं लेकिन कुछ बातें जो है वो जहन को इसलिए सही लगती है कि उनके पीछे इमामों की रवायतें हैं मिसाल के तौर पर ये जो बात बताई सात पत्तों वाली बेरी के और उस पर सुरह फलक और सुरह नास और सूरह आयतुल कुर्सी आयतल कुर्सी पढ़नी है ये पढ़ के आप इससे नहा लें आखिर फायदा नहीं भी होगा तो इससे नुकसान कोई नहीं होगा लेकिन बहरहाल चॉइस आपकी है